अनुरोध करूंगा आप इनको कल से आदर करेंगे सम्मान करेंगे आप क्षेत्र में नांगलोई क्षेत्र में जितना भी लोग कलिसिया में आते वो लोग सब नांगलोई में आमेन 3 तारीख से आराधना में जाएंगे और मंगोलपुरी से जितना लोग आते हैं मंगोलपुरी में हमें नया जगह लिया वहां पर आराधना के लिए जाएंगे वो आमेन उस समय ये लोग आपका जो परमेश्वर की सेवकाय में अगुवाई करेंगे इनके अधीन में रहकर आप आगे बढ़ना है प्रभु हमें आशीष करने पर मैं अनुरोध करूंगा पास्टर कुछ बोलेंगे पास्टर जॉन बेंजी कुछ बोलेंगे उसके बाद आप प्रार्थना करें आई जस्ट वांट टू से 4 लेटर्स बिफोर वी प्रे फॉर देम इन लोगों के लिए प्रार्थना करने से पहले मैं सिर्फ 4 अक्षर बोलना चाहता हूं एंड इट इज एन अमेजिंग थिंग दैट यू आर गोइंग टू बी ऑर्डेन्ड और ये बहुत अद्भुत बात है कि आप लोगों को अब नियुक्त किया जाएगा The heaven is going to stand with you for every step that you make from today. हर एक कदम जो आज से आप लेंगे स्वर्ग आपके साथ खड़ा रहेगा. And I don't want to talk about anything spiritual, but I want to talk about 4 letters that is very important to you as you do ministry. मैं कुछ आत्मिक ना बोलते हुए आपसे सेवकाई करने के लिए 4 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है बोलना चाहता हूँ. A B C D. A B C D. Everybody can remember that. सब लोग याद रख सकते हैं. A B C D. A B C D. Okay, A, the letter A. A, A का जो अक्षर है. Is your attitude that is going to define your success in ministry. जो आपकी विचारधारणा है जिस पर निर्भर है कि आप सेवकाई में कितने सफल रहते हैं. Because there will be ups and downs, and there will be mountains and valleys. There will be trials and tests, but your attitude, A, is going to define how you're going to move forward. क्योंकि आपके सेवकाई में उतार चढ़ाव भी होंगे, आप पर्वत पर भी होंगे, लेकिन तराई में भी होंगे, लेकिन आपकी विचारधारणा पे निर्भर करता है आप कितने सफल रहेंगे. B, the letter B stands for boldness. जो अक्षर है B, उसका मतलब है साहस. Because without the courage and the boldness of God, you cannot move forward. परमेश्वर के साहस के बिना आप आगे नहीं चल सकते. And the letter, third letter C. और जो तीसरा अक्षर है C. Is character. उसका मतलब है चरित्र. See, the anointing can take you only up to a certain level. देखिए अभिषेक आपको एक स्तर तक लेकर जा सकता है. But if you want to stay and then move forward, लेकिन अगर आप उस स्तर में बने रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, our life has to match up with that anointing. आपका जीवन शैली उस अभिषेक से मेल खाना चाहिए. The last letter D, जो आखिरी अक्षर है D, death to self. आत्मा के लिए हत्या, खुद के लिए मर जाना. It is going to be the test of a leader. ये एक अगुए के जीवन की परीक्षा है. People will tell you things. लोग आपको बहुत सी बातें बोलेंगे. See, last week was Hosanna Sunday. You know? देखिए पिछले हफ्ते Hosanna Sunday था. They will praise you. Oh, beautiful sermon, Pastor. एक दिन वो आपको ताली बजाकर प्रोत्साहित करेंगे. बहुत अच्छा प्रचार किया. You will turn around. और आप जैसे ही मुड़े. They could stone you. वो आपको पथराव भी कर सकते हैं. So you have to die to yourself. इसलिए आपको खुद के लिए मरना है. With self, you cannot serve the people of God. आप अपने आप के साथ लोगों की सेवा नहीं कर सकते. Do you remember? क्या आप याद रख पाएंगे? A B C D. A B C D. It's kindergarten lesson. ये छोटे बच्चों का शिक्षा है. Attitude. A से विचारधारणा. Boldness. B से साहस. Character. C से चरित्र. Death to self. और खुद के लिए मर जाना D. The rest is God's anointing and His grace. And heaven will stand with you to fulfill every dream. बाकी सारा कार्य परमेश्वर का अभिषेक और उसका स्वर के अनुग्रह आपके लिए करता रहेगा. Amen. अब हम प्रार्थना करेंगे. सब लोगों से मैं अनुरोध करूंगा आप अपने हाथों को बढ़ाकर इनके लिए प्रार्थना करते रहना. इन इससे ग्रेट सेरेमनी, ये बहुत बड़ा एक सेवकाई है. मैं विश्वास करता हूँ पहले शताब्दी की कलीसिया में प्रेरित लोग चेलों के ऊपर चेलों ने प्रेरित लोगों ने नए सेवकाई के लिए लोगों के ऊपर हाथ रखे प्रार्थना किया. प्रेरित लोग हमें नियुक्त करते हैं अभिषेक की तेल मानते हैं और उसको सेवकाई के लिए नियुक्त करते हैं. हम प्रार्थना करने जा रहे हैं. सब लोग अपने हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करते रहना. मैं अनुरोध करूंगा पास्टर अब्राहम और पास्टर जॉन बेंच प्लीज प्रे फॉर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड.
Amen.